हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद एटीमन। केंद्रीय विद्यालय संगठन बाल वाटिका शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। आवेदन 7 जुलाई से 14 जुलाई तक चलने वाले हैं, तो ज्यादा समय नहीं है आप लोगों के पास। सबसे पहले आप लोगों को वो लिस्ट देखनी है जहां पर केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका टीचर्स की डिमांड की गई है। तो मेन साइट पर आप लोगों को जाना है, www.kvs.government.in। तो ये मेन साइट जो है खुल चुकी है, पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, अनाउंसमेंट जो सेक्शन है, तो ये पूरा आप ओपन कर लेंगे। जहाँ पर देखिए, जितनी भी अभी तक की इन्होंने नोटिफिकेशन या नोटिस जारी किए हैं, तो सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जो है फॉर्म भरना जो है वो बताऊंगी। वीडियो एंड तक देखिएगा, तभी जो है वो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। सीरियल नंबर जो 12 है, इसको आपको ओपन करना है। ओपनिंग ऑफ द वन सेक्शन ऑफ बाल वाटिका 3 in 4 50 केवी रीजन, ठीक है। तो यहाँ पर 450 केंद्रीय विद्यालय की लिस्ट आपको मिल जाएगी, आपको यहाँ पर इसे जाके डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर 4 नंबर का जो पेज है, 11 पेजेस हैं इस पीडीएफ फाइल में, और 4 नंबर पेजेस पर लिस्ट दी हुई है। तो आपको जो ये लिस्ट दी है, आपको इसी पर जाना है, ठीक है। जैसे कि आपके नज़दीक अगर आगरा नंबर 1 AFS ये KV है और आपको यहाँ के लिए अप्लाई करना है, तो इसी की मेन साइट पर आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो KV है, यह उत्तर प्रदेश आगरा रीजन के अंतर्गत आता है। ऐसे ही अहमदाबाद में, अगर आप गुजरात में रह रहे हैं और अहमदाबाद में आपको किसी केंद्रीय विद्यालय में जाना है और वहाँ के लिए अप्लाई करना है, तो आप अपने नज़दीकी देखें कौन सा केंद्रीय विद्यालय आपके नज़दीक है। मान लीजिए आपके नज़दीक जो है वो नंबर 2 अहमदाबाद कैंट है, तो आप इसी की मेन साइट पर जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से अन्य केवी के बारे में है, तो वह भी मैं आप लोगों को ओपन करके दिखा देती हूँ। इन्हीं में से जो केवी हैं, उन्हीं की साइट पर जाकर यहाँ पर आप देख सकते हो केंद्रीय विद्यालय बाओली बागपत। तो सबसे नंबर 1 पर आप देखिए, यहाँ पर अनाउंसमेंट सेक्शन में एप्लीकेशन फॉर्म द पोस्ट ऑफ एंटिटी टीचर्स फॉर बाल वाटिका 3। तो आपको क्या करना है, ये जो पब्लिश डेट हुई है 8/7/2023, ठीक है, तो 8 तारीख को ये पब्लिश हुई है, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपके पास जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है, आपको इसे जो है भर लेना है बहुत अच्छे तरीके से, और उसी स्कूल में जो है जाकर आपको जमा करवा देना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, और भी स्कूल हैं केवी जहां पर ये वैकेंसी आई है, तो मैंने अभी बाओली बागपत की आप लोगों को दिखाई है। तो एक और मैं दिखा देती हूँ किस तरीके से आप एप्लीकेशन करेंगे। जैसे कि आपको करना है नंबर 1 AFS सांबरा बेलगावी, ठीक है, जो कि कर्नाटक में है ये केंद्रीय विद्यालय, और यहाँ के लिए आपको अप्लाई करना है। तो आप जैसे ही जो है गूगल पर जाकर लिखेंगे sambraaafs.kvs.ac.in, ठीक है, जैसे ही आपने लिखा, अनाउंसमेंट में व्यू ऑल पर क्लिक करना है। व्यू ऑल पर क्लिक करते ही जितने भी अनाउंसमेंट हैं अब तक के इस स्कूल के, वो सारे आपको दिखाई देंगे। सबसे ऊपर ही ऊपर आप देखेंगे टाइटल है वांटेड टीचर एडवर्टाइजमेंट फॉर बाल वाटिका प्री प्राइमरी बाय टीचर 2023 से 2024 तक, ठीक है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। सेकंड नंबर पर जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ टीचर ऑफ केयर गिवर्स हेल्पर्स फॉर बाल वाटिका 3, तो इसको डाउनलोड करके आपको ये पता लगेगा कि एलिजिबिलिटी जो है यहाँ पर क्या मांगी गई है, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया है किस तरीके से जो है वो आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो इस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को जो है वो आप फिल कर लेंगे। सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन आपकी है, जैसे किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फादर या हस्बैंड नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, आपका जहाँ रह रहे हैं, आपका जो है एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर, ईमेल आईडी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही भरेंगे, ठीक है। बाकी सारी डिटेल जो है वो भर के और सिग्नेचर आप यहाँ करके, और फिर जो है इसको डाक के द्वारा या खुद जो है अगर आपके नज़दीक आ रहा है वो स्कूल, तो जाके वहाँ पर सबमिट करवा दें। नेक्स्ट देखिए, गांधीनगर छावनी केंद्रीय विद्यालय नंबर 3, तो ये गुजरात की है। यहाँ पर एप्लीकेशन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि यहाँ पर 17/7/2023 है, ठीक है, यहाँ पर जो है वो 17 जुलाई है।
ठीक है। टाइम दिया हुआ है साक्षात्कार हेतु, स्थान जो है ये स्कूल ही रहेगा, समय जो है 9 बजे है, डेट जो है वह है इन्होंने 20 तारीख बताई है, ठीक है। आवेदन भेजने हेतु पता, तो पता भी ये है। तो इस तरीके से जो है जितने भी स्कूल हैं सभी में दिया हुआ है, ठीक है। हिंदी में भरना चाहे हिंदी में भरें, इंग्लिश में भरना चाहे इंग्लिश में भरें, तो ये पूरा फॉर्म जो है वो भर के, तो फॉर्मेट जो है वो सभी स्कूलों में अलग अलग ही है। अभ्यर्थी के हस्ताक्षर वगैरह सब यहाँ हो जाएंगे और आपको स्कूल में जाके जो है इसको सबमिट करा देना है। अगर कोई दूर रहता है बच्चा तो उसको क्या करना है, इच्छुक योग्य अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में आवेदन जो है वो 17 तक खुद या डाक द्वारा जो है वो जमा करवा सकता है, ठीक है। ईमेल अथवा किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन आवश्यक दस्तावेजों की छाया प्रति के बिना प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। या तो आप खुद जाएं जमा करने, या आप डाक द्वारा जो है वो भेज दें, और अभी ही भेज दें, ज्यादा समय नहीं आप लोगों के पास। नेक्स्ट जो है वो अब हम देखते हैं, यहाँ पर गांधी नंबर 3 गांधीनगर कैंट की हम लोगों ने देख ली है। अगली जो है CRPF रामपुर में, यहाँ पर भी आई हुई है, तो आप देखिए यहाँ पर वॉक इन सीरियल नंबर 1 है, फॉर्म फॉर वॉक इन इंटरव्यू फॉर टीचिंग बाल वाटिका 3 ऑन पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो ये 8 तारीख को पब्लिश हुआ है, यहाँ पर तो आपको फॉर्म मिलेगा, आप डाउनलोड कर लेंगे। और सेकंड नंबर पर लिखा है वॉक इन इंटरव्यू फॉर टीचिंग बाल वाटिका 3 ऑन पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, तो यहाँ पर पूरी जो है वो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। तो ये ओपन हो रहा है, और यहाँ पर देखिए 2023-24 के लिए केंद्रीय विद्यालय रामपुर में अंशकालिक संविदा ECCE ट्रेंड बाल वाटिका शिक्षकों की भर्ती हेतु पैनल तैयार किया जाना है। इन पदों के लिए साक्षात्कार 15/7 को होगा, ठीक है। तो 15/7 को होगा, 9 बजे होगा, और इन पदों के लिए शैक्षिक अर्हता यानी जो भी योग्यता है इसकी विस्तृत जानकारी के लिए विद्यालय की वेबसाइट पर जाइए। तो ये रही वेबसाइट, इन्होंने जो है वो वेबसाइट भी यहाँ पर दे दी है, तो इस पर आपको जाना है और फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो आप खुद जाकर स्कूल में जमा करवाएं या डाक द्वारा जमा कराएं, लेकिन समय से पहले आप करवा दें।